शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व विभाग की समीक्षा की। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय में पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों का लिया जायजा। और खेल मंत्री तुकोजी राव पवार ने शिखर खेल अलंकरण पुरस्कारों में एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहरी गरीबों के कल्याण के लिए प्रारंभ केंद्रीय राजीव आवास योजना में प्रदेश के 10 और शहर शामिल किए गए हैं। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर की पहल पर शामिल इन नए शहरों को मिलाकर अब इस योजना में प्रदेश के शहरों की संख्या बढ़ाकर 16 हो गई है। योजना में शहरों को स्लम फ्री बनाने के उद्देश्य से गरीबों के लिए आवास निर्माण किए जाएंगे। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जल्दी ही टेली मेडिसिन सुविधा शुरू होगी। इसे पहले चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के मेडिकल कॉलेजों में और दूसरे चरण में रीवा, सागर के मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्था शुरू होगी। टेली मेडिसिन के बाद ये मेडिकल कॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करेंगे और शासकीय चिकित्सालय इनसे संबद्ध रहेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज की गई चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा में दी गई बैठक में चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री महेंद्र हाड़िया और मुख्य सचिव और परशुराम भी मौजूद थे। फिलहाल लेते छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 अगस्त को मुंबई में नवकरणीय ऊर्जा के निवेशकों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में सौर संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक जिन चार निवेशकों से उनकी चर्चा होगी उनमें इंस्पिरा एंटरप्राइजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के डायरेक्टर चेतन जैन, मार्शल इंफोटेक लिमिटेड नई दिल्ली के डायरेक्टर मोहन सेठी, अजंता फार्मा लिमिटेड के डायरेक्टर मधुसूदन अग्रवाल और सूरजबाड़ी विंड फार्म डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गौतम चोपड़ा, अरविंद बंसल और आशीष स्वरूप शामिल हैं। प्रदेश में जल्दी ही भू प्रबंधन मिशन लागू होगा। मिशन की रूपरेखा बनाई जा रही, इसके बाद भू अभिलेख के काम में तेजी आएगी। भूमि संबंधी आंकड़ों, भूमि मापन और रिकॉर्ड में शुद्धता के लिए सभी पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। इसमें भूमि संबंधी प्रविष्टियों में गलतियां होने की संभावना कम हो जाएंगी। ये जानकारी आज मंत्रालय में राजस्व विभाग की समीक्षा में दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग की वर्तमान योजनाओं और भविष्य की कार्य योजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में ई मेजरमेंट व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए रियल टाइम जीपीएस आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल डिवीजन क्रमांक 2 में ये व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये व्यवस्था देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही है। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए कि वर्षा के दौरान खराब हुई सड़कों को ठीक कराने का काम तुरंत शुरू किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव और परशुराम भी मौजूद थे। पुलिस और एसएफ की ट्रेनिंग में नैतिक शिक्षा को भी शामिल किया जाए। ये बात गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सभी ट्रेनिंग सेंटर की समीक्षा के दौरान कही। गुप्ता ने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में 2 वर्ष कार्य करने के बाद संबंधित अधिकारियों की मनपसंद पोस्टिंग की जाएगी। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर के रिक्त पदों को भरने के निर्देश भी दिए। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।